स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? ये क्या है? मैं अपने रांडे रोने शुरू करता हूँ। तो तुमने शादी कब की? मैंने शादी 17 इयर्स में। क्या मजबूरी थी बहन? इतना जोर से प्यार हुआ था या बुखार हुआ था? क्या हुआ था? Why are we still here? Just to suffer. ये वो थी। अब मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं सब खा रही हूँ। तो खैर, शादी इतनी छोटी सी उम्र में किया, कैसे महसूस हुआ? खुद की अगर किसी पूछे कि आप बिजनेस प्रेफर करेंगे जॉब, हर बंदा ये बोलेगा कि बिजनेस प्रेफर। ओके 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 ओके, आपकी बात से डिसएग्री करूंगी मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने कहा आसान नहीं है, आप चिप्स का कोई स्टॉल लगा ले। जब रमजान आते हैं, फ्रेंच फ्राइज का जी एग्जैक्टली, रमजान आते हैं, पकोड़े समोसे आप ये लगाएं, और एक बंदा जो है वो 10,000 रुपए जो वो घर में लेकर जाता है। एग्जैक्टली दीदी, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? रुक, तेरे को बताते, आप मुझे बता दे कॉस्ट कितनी है, रेडी की कॉस्ट कितनी है, मशीन की बात नहीं करी आपने, कहा बिजनेस करना मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ कौन सी जगह पे लगाना है। भत्ते के पैसे होते हैं 400 रुपए 300 रुपए, उस जगह के भत्ते के पैसे होते हैं। जो आप वो स्टॉल लगा रहे हैं 10,000 रुपए, उस स्टॉल के होते हैं। ओवरऑल आपका जो सरमाया आएगा वो 50,000 से 60,000 आएगा, और आप एक अच्छी फ्रेंच फ्राइज एग्जैक्ट शॉप लगा सकते हैं। The boss is always right. कोई एक ऐसी चीज जिससे इन्होंने आपको रोका? खाने के बारे में ही बोला था बस, बाकी ड्रेसिंग के बारे में, किस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? लड़की का बहुत इजी था, वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ले लो। आपने प्रॉपर्टी ले ली? आपने लिए कम्बाइन ही है ये बोले ना इन्होंने लिए, बोल रहे मेहनत प्रॉपर्टी लें, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। आपने कितना इन्वेस्ट किया? ठीक है करोड़ों में, लेकिन ठीक है। चीज ये पे करोड़ कैसे हो गए? करीम आपने करोड़ों कैसे बना लिए? गेम शुरू पे कैसे बना लियो जी? मैं इसका जवाब ना दूं तो बेहतर है, मैं और तो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी। फट गई, फट गई, फट गई। मतलब एक ऐसा टैलेंट है जो किसी ने नहीं देखा। खैर आपको एक क्रश बिलावल है या था? हम दोनों का क्रश है बिलावल। क्या बोला तूने? हम दोनों का क्रश है बिलावल। मैंने देखा आपके, आपने पोस्टर भी लगाया हुआ था इनके मोबाइल की स्क्रीन पे भी था। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। ही इज वेरी वैसे, हाँ बिलावल तो एक है ना, प्यारा है, स्वीट है, जरदारी सा क्यूट है। हाँ जरदारी सा क्यूट नहीं? वो तो जानू है, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। उनके पास उनका तो स्वैग ही स्वैग है। Well, मैं तो ये बोलूँ जरदारी साहब तो पूरे पाकिस्तान के जानू है। मैं तो ये बोलूँ बॉस इज ऑलवेज बॉस। कोई सेंसेस बात की? हाँ कैसे? हाँ कैसे? कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज बॉस। ये भी ठीक है। आप मुझे बताए शादी में कौन कौन आया था आपकी? इनके कुछ करीबी फ्रेंड थे। हाँ मुफ्ती साहब नहीं आए थे? मुफ्ती साहब को क्या केस है? मुफ्ती कभी को दोबारा थप्पड़ पड़ना था, ये मेरे को पीछे से थप्पड़ देगा और मैं ऐसा करूंगा, अरे वाह वाह, और एक मार तेरी माँ को फटक कर से इधर ही देगा टाप कर से। मुफ्ती के साहब ने तो निकाह पढ़वाया। उन्होंने निकाह पढ़वाया? मुफ्ती अब्दुल कवी की बात कर रहे हैं। मुफ्ती कवी ने निकाह पढ़वाया? अच्छा वो दूसरे मुफ्ती हैं। मासूम गायें तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। उसका रीजन ये है, ये अपनी बात कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आपको अपने बारे में बता रहे हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो यूनस ने हमें बताया कि उनके लिए जो है वो पैसा ज्यादा जरूरी है, प्यार जरूरी नहीं है। तो जो भी आप समझ रही हैं, जो देख रही हैं, प्लीज यूनस को छोड़ के चली जाए। वापस बोलता हूँ कि देखे यूनस यूनस को छोड़कर चले जाए आप लोग, क्योंकि इनके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है। जी अगर मेरे पास पैसा है तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पहली बात। नंबर टू एक और चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल बी रियलिस्टिक, आप उसे सवाल करता हूँ कि मंथ के एंड में शो के अगर आपको कहें कि आप चेक ना लें, आप प्यार लीजिए हमसे और जाइए, तो आप ले सही पकड़े हैं। मेरे ग्लासेस आ रहे हैं हवा में, टिक करके अब ये थग लाइफ नाउ। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं।